कभी भी अच्छा करने वालों की निंदा करने वाले लोग स्वयं बहुत बुरे हो जाते हैं, और अच्छा करने वालों को अच्छा कहने वाले लोग खुद भी अच्छे बनते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा कहिए। कोई सत्संग के लिए चंदा मांगने आ जाए, भंडारा के लिए चंदा मांगने आ जाए, मंदिर आश्रम के लिए चंदा मांगने आ जाए, हंसते हंसते चंदा दे देना, निंदा मत देना, चंदा देना। कम से कम ये बंदा आया तो है, अपने पेंट शर्ट के लिए नहीं मांग रहा है, मंदिर निर्माण के लिए मांग रहा है, आश्रम निर्माण के लिए मांग रहा है, सत्संग समागम और भंडारा के लिए मांग रहा है। इसने शर्म छोड़कर, अपना अभिमान छोड़कर तुमसे 32 दांत निकालकर कहा है कि सहयोग थोड़ा दीजिए। जिसने कभी हाथ नहीं जोड़ा था किसी को, वो आज धर्म के लिए सबके हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब थोड़ा, हंसते हंसते उसे सहयोग दीजिए। और धर्म के लिए जो चंदा आता है, उस चंदा में धंधा भी मत कीजिए। कितने लोग चंदा में धंधा करते हैं, इसलिए धंधा में फिर निंदा होती है। चंदा में धंधा मत करो, गोरख धंधा अलग ही रखो। जो चंदा मिला है 10,000, 10,000 ₹10 अपनी जेब की भी उसमें लगा दो, इसको कहते हैं धर्म की यात्रा है, धर्म की यात्रा है साहिब बंद। कोई बात नहीं, हंसते हंसते दे देना। कम से कम मनुष्य रहे तब तक सत्संग सुनने नहीं आए, और कुत्ते बन गए तो यहां आए, बैठने कोई नहीं देता, कौन बैठने देगा। इसलिए मनुष्य जीवन में जो सत्संग सुनता है और सत्संग को अमल करता है, वो व्यक्ति मर करके कुत्ता तो नहीं बनेगा, इतना तो पक्का है, वो मनुष्य फिर से बनेगा। और मनुष्य जीवन में जो सत्संग से वंचित है, भक्ति से वंचित है, परोपकार से वंचित है, सेवा से वंचित है, सद्गुण सदाचार से वंचित है, वह व्यक्ति मरने के बाद पुनः मनुष्य नहीं बनेगा, पशु पक्षियों की योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। बार बार मनुष्य जीवन मिले, इसलिए सत्संग में मन लगाओ। साहिब बंदगी बोलो। सबके पास में एक एक दीपक पहुंचाया जा रहा है। आज सभी के हाथ में एक एक दीप होगा, और दीप के द्वारा आरती होगी, और बैठे बैठे ही दीप से आरती आप करेंगे कि हे गुरुदेव, मैं आपको दीप जला करके दर्शन करा रहा हूं, आप मेरे भीतर ज्ञान का दीप जला देना, विवेक का उजाला कर देना। मैं तो बाहर दीप जला सकता हूँ, बाहर का अंधेरा मिटा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे भीतर ज्ञान का दीप जलाकर मेरे भीतर का ज्ञान का अंधकार दूर कर देना। आज का प्रसंग जो था, सद्गुरु कबीर साहेब के बीज ग्रंथ से था। नरहर लाग दौ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। इस काम क्रोध की आग में सारा संसार जल रहा है। हस में एक गांव में एक कोटेशन लिखा हुआ पढ़ा, शायद इसी भटभेरा में था, एक बिजली के खंभे पर लिखा था, क्रोध यमराज है, ऐसा लिखा। और ये नीति शास्त्र में बताया गया है, क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा काम धेनु।
संतोषो नंदनम वरम, क्रोध यमराज का रूप है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र का नंदन वन है और तृष्णा ही बैतरणी नदी है। इसलिए क्रोध रूपी यमराज को मारना है। कैसे मारोगे? प्रेम के बाणों से, सहनशीलता की तलवार से, करुणा की कृपाण से क्रोध को काबू किया जा सकता है। परस्पर प्रेम को बढ़ाइए, क्रोध घट जाएगा। सहनशीलता को बढ़ाइए, क्रोध निपट जाएगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, क्रोध निकल जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसके लिए स्वाध्याय कीजिए। यहां पर साहित्य की दुकान आई है, वहां से छोटे छोटे साहित्य खरीद कर उनको पढ़ो। घर में पेनड्राइव प्रवचन की मेमोरी कार्ड वहां से खरीद कर सौ सौ घंटे प्रवचन सुनो। काम क्रोध लोभ मोह की आग बुझेगी। महान पुरुषों का चित्र खरीद कर उसको लगाकर घर में हर दीवार पर दर्शन करो। उनकी छवि से भी तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और याद रखना, टीवी चैनल में जो प्रवचन सुनते हो, इसका प्रचार प्रसार भी करो, दूसरों को बताओ कि आस्था भजन में रात को 9 बजे गुरुदेव का प्रवचन आता, सुनो, घर में शांति आएगी। मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करो, 3000 वीडियो लोड किया गया है, सब प्रवचन फटाफट आएगा। उसे सब्सक्राइब कर दो तो जो नया वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल में झलकेगा, दिखेगा। लाइक भी करो, शेयर भी करो, दूसरे के मोबाइल पर भेजो और उसे बेल आइकन भी दबाओ। गौ सेवा भी करना, गौ सेवा से भी सद्बुद्धि आती है, गौ माता की सेवा, जननी माता की भी सेवा करो। हमारे आश्रम पर 150 गायें रहती हैं, लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर, एक साल में वह मोटी मोटी हो जाती है, बहुत अच्छी सेवा होती। यहाँ रायपुर में मेरा गौशाला है, आश्रम है वहाँ छोटा सा, एक सरखोर में आश्रम, वहाँ दूसरा है, 150-200 गाय रहती है, उसके लिए बहुत इंतजाम किया गया है गौ माता के लिए। लोग छोड़ छोड़ कर चले गए, हमने कहा कोई बात नहीं, अब हम कहीं छोड़ने इनको नहीं जाएंगे, हम रख लेंगे। रख लिया गायों को। गौ सेवा के लिए जो भक्त लोग श्रोतागण डिब्बों में दान देते हैं, ये डिब्बे बंधे हैं गौ सेवा के, वो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ और गाय की सेवा हो जाती है। गाय की सेवा करने से एक्सीडेंट भी टल जाते हैं, ऐसे उदाहरण है। एक पुलिस जवान ज्योतिषी उसको बताता है, ओम प्रकाश नाम है, जांगिड़। ज्योतिषी ने कहा तेरा एक्सीडेंट 7 दिन में होगा। घर से आ रहा था, पानी पीने नल पे गया, पानी पिया, खड़ा हुआ, गायें दौड़ कर आ रही थी, पूछा क्यों आ रही दौड़ कर, लोगों ने कहा नल के पास गड्ढा है, गड्ढा में जल है, जल पीने आ रही, जो पहले आएगी गाय वो पीने को पाएगी, जो पिछड़ जाएगी उसको नहीं मिलेगा, इसलिए भाग के आ रही जंगल से गायें। तो उसने नल का हाथ था पकड़ा, पुलिस जवान 3 घंटे तक नल चलाता रहा, सब गायों को पानी पिला दिया, वहां से बढ़ा, एक्सीडेंट हुआ, हाथ में चोट आई, हॉस्पिटल गया, शाम तक घर आ गया, मलहम पट्टी हो गया। ज्योतिषी मिला 10 दिन के बाद, बोला तेरा तो एक्सीडेंट में मौत होना था, कैसे बच गया, क्या किया? बोले गौ माता के लिए नल चलाया हूँ, हैंड पंप पंप, बोले उसी पुण्य से तेरा एक्सीडेंट हल्का निकल गया। ये कोटा राजस्थान के भक्त श्री ओम प्रकाश जांगिड़ इस समय CID विभाग में है। वह हमारे पास में कम से कम 2-5 हजार पुलिस वाले, 10-20 हजार मिलिट्री वाले भक्ति में लगे।
एडवोकेट भी हैं, जज भी हैं बहुत से, वो भी भक्त हैं। मैनपुरी में सत्संग करने में गया तो एक घर में चरण पूजा में गया तो पड़ोस में जज रहता था, वो आया मेरे पास, बोला गुरुजी मेरे यहाँ चलना है। तो मैं तो जानता नहीं था ये जज है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो लोगों ने बताया अरे गुरुदेव ये जज है, डिस्ट्रिक्ट जज, आप चल दो थोड़ा। तो हमने फिर उसकी ओर देखा, मैंने तो हमने कहा तो संकट की बात हो गई, जज है, अब ना जाऊं तो क्या करूं, जजमेंट भी दे सकता है। मैंने कहा समय नहीं जज साहब, पहले से समय लेना था आपको। बोले नहीं, बोले पड़ोस में आए तो मैं देखा आपको, आपका प्रवचन सुनता हूं टीवी में, थोड़ा चरण रख दो। उसके यहाँ गया, बहुत सेवा किया, प्रेम किया, बोला आज यदि नहीं आते तुम तो इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी का कोई नहीं होता। जज हूं लेकिन आप जैसे संतों का बहुत बड़ा भक्त भी हूं। ये भक्ति किसी के पास भी हो सकती है, जज होना तो एक अलग बात है। कितने पुलिस जवानों में बहुत भक्ति है, और कितने किसानों में भी भक्ति है। यहां पर तो ज्यादातर किसान ही बैठे, किसानों में भी भक्ति, बिजनेसमैनों में भी बहुत भक्ति है, कितने नेताओं में बहुत भक्ति है, राजनेताओं में अथाह भक्ति। और भक्ति करने वाले लोग चाहे राजनीति करें तो भी अन्य से अच्छा करेंगे, और भक्ति करने वाले लोग किसानी करें तो भी अन्य से कुछ दया भाव से करेगा। और भक्ति करने वाले लोग अगर मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर भी हैं, तो उनसे अन्य की अपेक्षा बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए भक्ति करो, उसके बाद राजनीति करो, तब देखिए राजनीति में एक नया चमत्कार आएगा। साहिब बंदगी बोलो, अब दीप जला लीजिए, दीप प्रज्वलन कर लो, समय हो रहा है। उज्जैन आश्रम के लिए जैसे हमारे ये भक्त ने पंडरिया से आकर दान दिया है, इधर भी कार्यालय है उधर भी कार्यालय है, आप वहाँ अर्पित कर सकते हैं, संकल्प ले सकते, एक साल बाद भी दे सकते। उन्होंने भी अपना 6-7 महीने बाद दिया है। और एक सूचना है, शुभ सूचना, नेक्स्ट ईयर्स अगले वर्ष उत्तराखंड में पहाड़ों की तलहटी में गंगा के तट पर बहुत बड़ा कुंभ मेला होने जा रहा है हरिद्वार तीर्थ में, उसके लिए मैं सादर आमंत्रण देता हूं। और वहां पर आपका कैंप लगेगा, जिस कैंप में 50,000 तीर्थयात्री भक्तों के ठहरने के लिए और भोजन खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, वहां के लिए आपको न्योता है। और वहां के लिए जिसके मन में श्रद्धा हो कि अन्नदान करूं तो अन्नदान का संकल्प ले लेना, लिखा देना, वो अन्नदान अगले दिसंबर में 1 साल 11 महीने बाद आपके यहां से लेने के लिए गाड़ी आएगी, वो ले जाएगी, लिखाना है, चावल दान, दाल दान, जो भी इच्छा। सभी लोग बैठे बैठे आरती का लाभ लेंगे, आप लोग अपने अपने हाथ में आरती ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा, और आरती का प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक आरती का लाभ लेंगे और उसके बाद कोई नहीं जाएंगे, सभी को गुरुदे जी तक आने का भी समय दिया जाएगा। घर वाले माता जी और उनके परिवार के सभी लोग आ जाएं, बाकी सब लोग बैठे बैठे आरती करें। आरती गरीब निवास साहेब, आरती दीन दयाल, आरती गरीब निवास साहेब, आरती
आरती दीन दयाल, आरती गरीब निवान, आरती दीन दयाल, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योत जहाँ जात, साहिब सुरति ज्योत जहाँ जात, आरती गरीब निवास, साहिब आरती दीन दयाल, साहिब आरती गरीब निवास, आरती करो सदगुरु साहिब की, आरती करो सदगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समात, साहिब जहाँ सब संत समात, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती दीन दयाल साहिब, आरती गरीब निवाज, आरती दीन दयाल, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल, साहेब टूटी गयो